नरेला भवाना रोड पर डीडीए द्वारा तोड़े गए शमशान घाट को लेकर स्थानीय लोग नाराज। नरेला भवाना रोड पर बने एक शमशान घाट को कल डीडीए विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर तोड़ दिया। आपको बता दें, शमशान घाट को स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बनाया था, लेकिन डीडीए विभाग की टीम ने कल उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है और इसको लेकर गाँव के आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए, क्योंकि ये जिस इलाके में शमशान घाट बनाया गया था उस इलाके में करीब 400 से 500 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास कोई शमशान घाट नहीं था और दाह संस्कार के लिए कई किलोमीटर दूर लोगों को पैदल जाना पड़ता था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा कर इस शमशान घाट का निर्माण किया था। लेकिन डीडीए विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंचकर शमशान घाट की बाउंड्री, कमरे व अन्य कई चीजों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी रोष है, जिसको लेकर वहां पर कई स्थानीय नेता भी पहुंचे और फिर से शमशान घाट का पुनर्निर्माण करने की बात कही। ये जो कार्रवाई हुई है, ये इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे आप? ऐसे आज बड़ा दुख है, ये जमता है, संत नगर है, प्रेम कॉलोनी है, सनोट कॉलोनी है, सारिया में कम से कम भी 5-6 लाख आदमी रहता है और इस संत नगर के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो शमशान घाट की हो। और ये शमशान घाट की जगह जो बनाई गई थी जनता के पैसे से बनाई गई थी, और ये इतना दुख है अगर जो आज जिसने इसी लाइन में जाना है सभी ने जाना है, कोई आज कोई यहाँ तो वो तो है नहीं कि भाई एक आदमी जागा या दो आदमी, यहाँ जनता को जिसने भी जाना वो परमात्मा उठाता तो यहाँ आदमी। और जो डीडीए ने और प्रशासन ने और पुलिस ने जो भी काम कराया है, मैं तो कहता हूँ इससे निंदा कोई भी चीज नहीं है। अगर एक का कर लगती है पुलिस वाले वहीं पहुंच जाते हैं पैसे लेने के लिए, डीडीए वाले वहीं पहुंच जाते हैं गिरने के लिए पैसे लेने के लिए। इन डीडीओ का जो इन डीडीए वालों ने इतना पैसे की जरूरत थी, भूख थी, अतः जनता के पास क्यों नहीं गई है? अरे जनता ने इतना है, जनता इनको सहेगी नहीं। मैं कहता हूं इतना प्रशासन गिरा हुआ हो चुका है और इतना प्रशासन गिर चुका है जो कि डीडीए का भी और पुलिस प्रशासन भी इतना गिर चुका है जो कि आज तक कोई भी नहीं गिरा हुआ। और मैं इस शमशान घाट के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जितनी हमारी जनता है सब इसे योग दो और इसको दोबारा फिर बनाओ। तो आप निगम परिषद जिस समय थे उस समय हम लोगों ने मांग भी की होगी, तो आपने सरकार से मांग नहीं की थी? ऐसा है जी, मांग करी थी, सारे कर रखी मांग, एमसीडी में भी कर रखी, दिल्ली सरकार में भी भेज रखे हैं और लेटर की कॉपी भी मेरे पास है, और जब भी आज तक किसी ने नहीं दिया तो मैंने आखिर में आकर ने ये शमशान घाट की जगह देख कर ने और जनता का सहयोग लेकर ने ये जनता का बनाया था मैंने। जितने भी कार्यकर्ता है या जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी नेता निगम पार्षद या एमएलए जो है, इसको दोबारा बढ़िया तरीके से इसका निर्माण, मुक्ति तो अच्छी जगह मिलनी चाहिए। का काम होता है जन कल्याण, जन कल्याण में जीना तो बहुत मुश्किल है, कम से कम मरने की सुविधा तो सरकार दे। मरने की सुविधा के लिए भी, अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ पे कोई जगह नहीं थी। यहाँ के जीते जी तो आग मिलते नहीं, मरने के बाद भी आग नहीं मिलते। यहाँ पे हमारे जो पूर्व चेयरमैन रहे, इन लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा करके ये यहाँ पे किसी तरह से लोगों की डिमांड को देखते हुए अपना पैसा लगा के ये बना दिया गया। अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी ये कि ये जमीन अगर डीडीए की है भी, अगर है भी, मैं ये शब्द यूज करता हूँ कि अगर डीडीए की जमीन थी भी तो उन्हें जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको नियमित कर देना चाहिए था। नाम सागर सिंह यादव है और मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं नगर क्षेत्र के विशाल इंक्लेव में रहता हूँ। अभी जो कल ये डीडीए की द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो ये पीला पंजा उन्होंने चलाया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी धर्म जाति कोई समाज कोई भी बंदे हों, सबको अंत समय में कहाँ आना है, शमशान या कब्रिस्तान, सभी के लिए हर चीज़ उपलब्ध है। तो हमारे जो धर्म है हिंदू धर्म में, हम कहाँ जाते हैं? हम लोग अपने शमशान में जाते हैं लास्ट वक्त में, और हम जिंदे भी होते हैं तो भी हाथ जोड़ के निकलते हैं। तो डीडीए द्वारा ये कार्रवाई हुई है, ये बहुत ही अनैतिक है और गलत है, बिल्कुल ये होनी नहीं चाहिए। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जितने अपने समाज की और जातियों में बटना छोड़ दो, अपने समाज के लोगों से एक होकर आओ और प्रशासन से गुहार लगाओ कि भैया जो चीज़ हमें मिली है यहाँ पे उसको हमें परमानेंट लिख के दे, और हमें सारी जितने भी हम विचारिंग के लिए ले लो, और कहाँ जाते थे पूरे नहीं, एक लाश हमारी हमेशा वेटिंग में रहती थी वहाँ। इन
सतन नगर हो गया, विशाल इंक्लेव हो गया, प्रेम कॉलोनी हो गया, सबके लिए सुविधाएं हुई हैं।